जी आज हमारा विषय है पन्ना लाल घोष की जीवनी। पन्ना लाल घोष का जन्म 31 जुलाई 1911 ईस्वी को बांग्लादेश के वरिसा नामक जिले में हुआ। इनके पिता अक्षय कुमार घोष स्वयं संगीत के बड़े प्रेमी थे और बहुत सुंदर सितार वादन करते थे। कार्यकाल से थके हुए आने पर इनके पिता सितार पर मधुर स्वरों को बजाकर अपनी थकान उतारते थे। परिवार में संगीत का ऐसा वातावरण देखकर इनके सभी भाइयों के मन में भी संगीत के प्रति लगन उत्पन्न हुई। इनके एक भाई ज्ञान घोष तबले के क्षेत्र में और बाकी दो भाई श्री विदुल घोष और श्री सुनील घोष गायन के क्षेत्र में प्रवेश कर गए। पन्नालाल घोष ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पिता से प्राप्त की। कई वर्षों तक गायन वादन का श्रवण करते हुए आप अपनी संगीत शिक्षा का को बढ़ाते रहे। सन 1925 ईस्वी में जब वह कलकत्ता में नौकरी करते थे तब उनकी मुलाकात संगीत निर्देशक रामचंद्र बोसल तथा हारमोनियम वादक खुशी मोहम्मद से हुई थी, जो कि बहुत अच्छा हारमोनियम बजाते थे। इसी मिठास और सुंदरता से प्रभावित होकर इन्होंने मास्टर जी से शिक्षा लेने का दृढ़ संकल्प कर लिया। इसके पश्चात इनकी रुचि बांसुरी बजाने की हुई। किसी भी अच्छे कलाकार का बांसुरी वादन सुनकर यह उसे बजाने की शैली को देखते और स्वयं भी प्रयास करते। इनकी लगन इतनी थी कि यह किसी का भी गायन वादन जब सुनते थे तो इनकी लगन इतनी थी कि ये उसको प्रयास करते थे उसको वैसा ही बजाने के लिए। पन्नालाल घोष जी सन 1938 ईस्वी में इन्होंने सराई कला नृत्य मंडल के साथ विदेश जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। 6 मास बाद आप जब वहाँ से लौटे तो खुशी मोहम्मद की मृत्यु हो चुकी थी, जो इनके गुरु थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इसके बाद संगीत जिज्ञासा की शांति के लिए पुनः किसी गुरु की खोज करने लगे। इनकी जो जिज्ञासा थी संगीत के प्रति वो इनके गुरु के मरने के पश्चात ऐसी ही बरकरार रही। इन्होंने दूसरे गुरु को खोजने का प्रयास किया, या यूँ कह दीजिए कि इन्होंने दूसरे गुरु की खोज कर ली। तत्पश्चात इन्होंने गिरिजा शंकर चक्रवर्ती से 2 वर्ष तक शिक्षा ली। 1940 ईस्वी में यह बम्बई चले गए। वहाँ कई चलचित्रों में संगीत निर्देशन का कार्यभार मिला, लेकिन इससे उन्हें अपनी संगीत साधना में बाधा का अनुभव हुआ। फलस्वरूप निर्देशन का कार्य छोड़ दिया। भाग्यवंश 1947 ईस्वी में इनकी मुलाकात उस्ताद अलाउद्दीन खान से हुई और यह उनके शिष्य हो गए। सन 1947 में इन्होंने उस्ताद अलाउद्दीन खान से शिक्षा प्राप्त की, ये उनके शिष्य बन गए। तो आगे इनका है बांसुरी वादन शैली। पन्ना लाल घोष ने विभिन्न वाद्य वृंदों की रचना की, जिसमें इन्होंने बांसुरी बजाने के लिए विभिन्न बांसुरियों की आवश्यकता पड़ने लगी। इसके कारण इन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत में बांसुरी वादन के उद्देश्य से बांसुरी बनाने का कार्य भी आरंभ किया। इन्होंने बांसुरी वादन में अनेक क्रियाओं को जन्म भी दिया।
यही कारण था कि उनकी जैसी बांसुरी केवल वह ही बजा सकते थे जैसी वो चाहते थे। बांसुरी जैसे छोटे सुशीर वाद्य पर गायकी तथा बीन अंग का सच्चा प्रदर्शन घोष बाबू के हक में ही था। जो पन्नालाल घोष जी हैं इनको घोष बाबू के नाम से भी जाना जाता था, इनको घोष बाबू जी भी कहा जाता था। अति तार सप्तक तथा अति मंद्र सप्तक में वादन करते समय यह केवल एक ही बांसुरी का प्रयोग नहीं करते थे अपितु तीन तीन बांसुरियों का यथा समय उपयोग शीघ्रता से करते थे। यह सब देखकर श्रोताओं को ऐसा आभास होता था कि यह सब एक ही बांसुरी द्वारा हो रहा है, या यूं कह दीजिए जो श्रोता थे जब इनकी बांसुरी को सुनते थे तो उनको ऐसा कभी भी महसूस नहीं होता था या उनको ऐसा नहीं लगता था कि वो एक बांसुरी बजा रहे हैं, दो बजा रहे हैं या तीन। उनका बांसुरी बजाने का जो तरीका था वो ऐसा था कि उसको कोई देखकर ये कह ही नहीं सकता था कि वो एक साथ तीन तीन बांसुरियों का यूज़ कर रहे हैं। ये सब एक ही बांसुरी द्वारा होता था। इसी कारण पन्नालाल घोष बांसुरी के युग पुरुष कहलाए। जो पन्नालाल घोष जी हैं जिनका नाम है घोष बाबू जी, वो बांसुरी के क्षेत्र में युग पुरुष के नाम से भी जाने जाते थे, या यूँ कह दीजिए इनको युग पुरुष भी कहा जाता था। विभिन्न रागों में ठुमरी बजाने में भी आप पारंगत थे। जो रागों में ये ठुमरी बजाते थे इनकी कल्पना ही नहीं कर सकते, ये इतने अच्छा बजाते थे कि ये उसमें पूर्णतः पारंगत थे। संगीत क्षेत्र में योगदान, आकाशवाणी के प्रत्येक केंद्र तथा संगीत सम्मेलनों में भाग लेने पर जनता आपके वादन का रस प्राप्त कर चुकी थी। सन 1986 ईस्वी में अखिल भारतीय संगीत परिषद में इन्हें बांसुरी वादक के लिए सम्मान प्राप्त हुआ। यहाँ उन्होंने पंडित ओंकारनाथ ठाकुर के गायन की संगत में बांसुरी वादन किया जो काफ़ी सराहनीय रहा। राग प्रस्तुतिकरण में पन्नालाल घोष का यह मत है कि बड़ा ख्याल प्रस्तुति करते हुए करीब एक घंटा पौना घंटा कम से कम लग जाता है। इन्होंने केदार, बिहाग, यमन, तोड़ी, ललित, श्री, पुरिया, मारवा आदि रागों को बांसुरी पर प्रस्तुत किया। वे आपकी प्रस्तुति का यह अपनी प्रस्तुति का समापन या एंडिंग कह दीजिए। श्री मिश्र पीलू, खमाज, काफ़ी, भैरवी, भटियाली आदि धुनों से करते थे। भारत के अतिरिक्त विदेशों में भी आप अपनी प्रस्तुतियां देते रहे। पन्नालाल घोष ने कलिंग विजेता और ऋतुराज आदि शीर्षकों से अपने वाद्य वृंद की रचनाओं को निर्मित किया। 1956 से 1960 तक यह आकाशवाणी के राष्ट्रीय वाद्य वृंद विभाग नई दिल्ली के कंडक्टर पद पर भी रहे। इसके साथ नवीन युगों की रचना में भी इनकी विशेष रुचि थी। इन्होंने दीपावली, नवीन ध्वनि, नई ध्वनि नामक रागों की रचना की। इनके शिष्य पन्नालाल घोष के प्रमुख शिष्यों में देवेंद्र, हरिप्रसाद चौधरी, रघुनाथ सेठ आदि नाम आते हैं। मृत्यु बांसुरी वादक को नवीन आयाम देकर
प्रतिष्ठित स्थान दिलाने वाले पन्नालाल घोष या फिर घोष बाबूजी सन 1960 में 49 वर्ष की आयु में संसार से विदा हो गए। 20 अप्रैल 1960 ईस्वी को प्रातःकाल बांसुरी वादक के क्षेत्र का यह पन्ना सदा के लिए अपनी अमिट चमक संगीत जगत को दे गया। इन्होंने संगीत के लिए खूब प्रयास किए और ये हमारे बीच में सन 1960 में नहीं रहे। 20 अप्रैल 1960 में इन्होंने संसार से विदा ले ली। धन्यवाद।